आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार। निफ्टी फिलहाल 873 के आसपास आधा फीसदी की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। कई दर्शक है अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं, इस वक्त फोन पर आशुतोष जुड़े हैं कोलकाता से। आशुतोष नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी आशुतोष, गुड आफ्टरनून, अपना क्वेश्चन पूछे। मैम मेरे पास हिंडालको के 25 शेयर है, 158 में मैंने उसे लिया है, क्या करूं? ऑलराइट, एक अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है। सिमी, इन्होंने जिस लेवल्स पे लिया है उसको देखते हुए इनको अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, क्या करना चाहिए? अभी क्वांटिटी कम है, 25 शेयर्स इनके पास। अगर शॉर्ट टर्म का पोजीशन है तो 185 से नीचे अगर ये स्टॉक फिसल जाएगा तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा सकता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना चाहेंगे तो वेट कर सकते हैं आप। पर 184-182 के नीचे ये स्टॉक अगर फिसल जाएगा तो मैं एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। फिलहाल चार्ट में कोई वीकनेस नहीं है, पर 200 के आसपास आ चुका है। हम लोगों का जो लॉन्ग कॉल था उसका टारगेट 190-195 का था, वो टारगेट भी अचीव हो चुका है, तो नया कोई टारगेट हम लोग नहीं निकाला है, तो इसलिए मैं कॉशस रहने का सलाह दे रही हूँ। फिलहाल निफ्टी में भी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है, जो निफ्टी का एक मेजर रेजिस्टेंस है, निफ्टी घूम रहा था 8800 के आसपास, और आज का जो गैप आया है मार्केट में वो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि टेंशन क्रिएट कर चुका है मार्केट के लिए। अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्केट में, तो आप अपना ट्रेड अकॉर्डिंगली आप स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए। मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। जी एक और सवाल ले लेते हैं, और ये मैसेज एसएमएस के इनफैक्ट फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है लोकेश है राजस्थान से। लोकेश नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, क्या क्वेश्चन आपका पूछिए। जी मैम, मेरे पास जीएसएफसी और गुजरात अलकाली दोनों के 100-100 शेयर है। और दोनों का परचेसिंग प्राइस क्या है? जी मैम, गुजरात अलकाली का 395 और जीएसएफसी का है 119। 119, ठीक है। और टाइम होराइजन क्या है आपका दोनों में? टाइम लगभग 2 महीने जैसा। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक करना क्या चाहिए? जीएसएफसी 119 इनका परचेसिंग प्राइस है, और स्टॉक अभी 109 पर ट्रेड कर रहा है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छा जूम देखा हमने पिछले कुछ सेशंस में, ये स्टॉक भी चला है लेकिन इनके परचेसिंग प्राइस से नीचे है। और दूसरा गुजरात अलकलीज, यहाँ पे इनका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है क्योंकि 395 इनका परचेसिंग प्राइस है और स्टॉक अभी इनके परचेसिंग प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह देंगे आप दोनों स्टॉक्स पर? देखिए, गुजरात अलकलीज करीबन 8P के स्तर पे आज चल रहा है और जीएसएफसी करीबन 16P के यहाँ पे चल रहा है, तो जीएसटी थोड़ा कॉस्टली लग रहा है लेकिन गुजरात अलकली चीप भी लग रहा है। अभी एक और चीज है कि देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक्स और केमिकल स्टॉक्स पे अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ, और अगले 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर ये दोनों स्टॉक्स ही अच्छा करना चाहिए, ओवरऑल सेक्टर भी अच्छा करेगा, तो मेरे हिसाब से जीएसएससी में काफी अपसाइड अभी भी बाकी रहेगा। 110 रीजनेबल बोलूंगा मैं, वैल्यूएशन चाहे महंगा हो लेकिन यहाँ से ऊपर जाने की इसमें चांसेस रहेगा, और इस क्वार्टर में अगर ये बिजनेस थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाता तो ये एक जंप आएगा इसमें। वैसे ही गुजरात अल्कलाइज तो वैल्यूएशन वाइज भी मुझे चीप लग रहा है, 8P बहुत सस्ता होता है, तो मेरे हिसाब से आप दोनों में बने रहिए और यहाँ से आपको हो सकता है कि 10-1% आपको मिल जाए यहाँ से। इस बीच चाउन शुगर के नतीजे आए हैं, मुनाफा ऑलमोस्ट डबल हुआ है, यानी ईयरली बेसिस पे कंपेयर करें तो इस क्वार्टर में मुनाफा 34.73 करोड़ रहा है वर्सेस 12.6। शेयर इस वक्त 6% ऊपर है, दिन के ऊपरी स्तरों पर एक सडन स्पाइक यहां पर देखने को मिल रहा है। विवेक, अगर शुगर स्टॉक्स की बात करें, आज अच्छा मोमेंटम है और स्पेसिफिकली आउन शुगर नंबर्स अच्छे हैं, कैसा लगता है आपको आउन शुगर? शुगर मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय या कॉफी में बस, तो मेरे हिसाब से इसमें ये एक ट्रेडिंग बिट के अनुसार ही मैं चलूंगा सारे शुगर स्टॉक्स में आज भी, और अगर कोई एक शुगर आप पिक करना चाहे तो मुझे दो ही ठीक ठाक लगेंगे फंडामेंटल पे, एक तो है धामपुर शुगर, एक है आंध्रा शुगर क्योंकि उसमें वापस काफी केमिकल बिजनेस है, तो ये दो के अलावा मैं सब में खाली ट्रेडिंग बिट के अनुसार ही लूंगा। तो अच्छा मूव अभी अवध शुगर के शेयर में देखा जा रहा है, 6.25% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ज्यादा शुगर कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बेहतर रहे भी हैं। द्वारिके शुगर एक और एग्जांपल है जहां पर वो वीकेंड अर्निंग्स आए और एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमने देखी भी, स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्गली रिएक्शन दिया भी था जब सुबह मार्केट ओपन हुए थे। एक और सवाल लेते हैं, नितिन है हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। नितिन नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, मेरे पास बीएचईएल के 500 शेयर है जिनकी कॉस्ट परचेसिंग प्राइस 122,
तो मैं इसके ऊपर दो साल का जो नजरिया है उसके बारे में आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आप अभी मुनाफे में हैं क्योंकि स्टॉक अभी करीब 143 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। इस हफ्ते अर्निंग्स भी आने हैं BHEL के, और अगर आप इस स्टॉक का मूव देखेंगे भी तो इस साल की शुरुआत से एक अच्छा मूव इसने दिया है फ्रॉम 110-120 लेवल्स, अभी 143 पर आ चुका है। क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म व्यू है इसलिए विवेक मैं आप कमेंट्स लूंगी, क्या करना चाहिए इनको BHEL में, इस हफ्ते अर्निंग्स भी आने हैं। देखिए ये एक तो पहली बात अपने आप को लकी समझना चाहिए इनको, क्योंकि 122-123 में लेके आज ये 20-25 रुपए प्रॉफिट में है, और जिन्होंने पिछले दो या तीन साल से होल्ड किया हुआ है एक्चुअली BHEL में काफी ये बहुत लंबे समय थी, दो साल पहले 200 रुपए के ऊपर चल रहा था ये, तो उसके बाद में काफी बिजनेस ने मार खाया था, इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था, अब आज के दिन ये पिकअप होता हुआ लग रहा है। अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स में आपको इमीडिएटली दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो भी मैं BHEL से जो भी संबंधित लोग हैं वहाँ पे कर्मचारी जो काम करते हैं उनसे बात करते वक्त ये पता चलता है कि उनका ऑर्डर बुक आज के दिन फुल है। तो जितना जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और पावर सेक्टर पे, मेरे हिसाब से ये यहाँ से और काफी अच्छा कर सकता है। तो आपके पास अगर लॉन्ग टर्म का व्यू हो, दो साल का अगर व्यू हो, तो आप इसमें ऑन एवरी डे आप खरीदिए और होल्ड कीजिए इसको। होल्ड करने की सलाह है BHEL, अच्छा प्रॉफिट्स में आप हैं और ये प्रॉफिट आपका यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड और भी इंक्रीज हो सकता है, सब विवेक मानते हैं। शुक्रिया विवेक आपका भी, और से मैं आपका भी, फिलहाल इतनी क्वेरीज हम शो में शामिल करेंगे।